क्रिकेट को एशिया कप 30 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और एशिया कप में एशिया की टीमें भाग लेंगी। और एशिया कप में बात करें तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसी टीमें एशिया कप में भाग लेंगी। अब तक बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका की टीम आपकी टीम घोषित कर दी है और अब टीम इंडिया भी एशिया कप के लिए आपकी टीम बताई है। लेकिन इस टीम में तीन खिलाड़ी लेके बहुत ज्यादा बवाल चल रहे हैं। इन तीन खिलाड़ियों में दो तो टीम इंडिया का प्रमुख बल्लेबाज ही और एक टीम इंडिया को बहुत ही खतरनाक बॉलर है। तो चलो बात करते हैं वीडियो में इन तीनों के बारे में, तो वीडियो पूरा जरूर देखियो और वीडियो लाइक भी करियो। जय की सबने पत्तो है कि एशिया कप को आगाज 31 अगस्त होगो। इस बार को एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में खेलो जाओगो। इंडिया का जिता मैच होगा भी श्रीलंका में होगा और पाकिस्तान और बाकी टीम का मैच पाकिस्तान में ही होगा। और एशिया कप के लिए दो ग्रुप तैयार किया गया। आप बात करें पहले ग्रुप के बारे में, तो पहला ग्रुप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीम रखी गई है और दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान की टीम ने शामिल करी गई है। इस बार को एशिया कप 50 ओवर को होगा क्योंकि अगले कुछ महीना में ही 50 ओवर को वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। बिना देखता ही एशिया कप भी 50 ओवर को कराया जा रहा है। एशिया कप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश की टीम तो पहले ही आपकी टीम घोषित कर दी और अब आज का दिन टीम इंडिया भी आपकी टीम पर चर्चा कर रही है। टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी की जगह पक्की है। लेकिन इस टीम में तीन खिलाड़ी लेके बहुत ही संकोच चल रहे हैं। पहले खिलाड़ी का नाम है केएल राहुल। केएल राहुल बहुत ही दिन से चोटिल चल रहे हैं और अब केएल राहुल की जगह एशिया कप में बनेगी या नहीं बनेगी यो आज सिलेक्टर्स बता देगा। केएल राहुल के बाद में सुरेश अय्यर भी बहुत दिन से चोटिल चल रहे हैं और केएल राहुल और सुरेश अय्यर दोनों ही टीम का प्रमुख बल्लेबाज है, तो इन दोनों ने एशिया कप और वर्ल्ड कप में मौका देना बहुत जरूरी है। लेकिन इनकी चोट को कोई भी खास भरोसा को नहीं कि इनकी चोट कितनी गंभीर है और कब तक सही होगी। तीसरे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो बिको नाम है जसप्रीत बुमराह। बुमराह आपकी चोट से 11 महीने से उभर के आए हैं और अब बुमराह आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज भी खेल रहे हैं। इस सीरीज में सिलेक्टर्स की नजर बुमराह पर होंगी और बुमराह की फिटनेस देखी जाओगी। बुमराह की फिटनेस के आधार पर ही बुमराह ने एशिया कप और वर्ल्ड कप में जगह दी जाओगी। टीम इंडिया आपका पहला दो मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ जीत लिया और सीरीज भी आपका नाम कर ली है। तो अब इन देखता लग गया कि बुमराह की जगह तो एशिया कप में पक्की है लेकिन सुरेश अय्यर और केएल राहुल की जगह कुछ निश्चित से कुल लगे। तो आज शाम की टीम इंडिया आपकी एशिया कप के लिए टीम घोषित कर देगी। भी टीम का सब खिलाड़ी का नाम थाने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाऊंगा। और अगर थाने यू वीडियो चोखो लगी है तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करियो।